अब क्या है कि मेरे पास ये इसका व्यू है, किसका, केबल्स का, जो आप केबल यूज़ कर रहे हो जहाँ आप ट्रांसमिशन लाइन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले कंडक्टर सबसे अंदर क्या होगा, कंडक्टर होंगे। कंडक्टर के ऊपर क्या होगा, एक ये मेरे पास कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर पेपर का इंसुलेशन लगा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि मेटेलिक सीट लगी होगी, कि उसकी लेड की, पीवी की क्या लगी होगी, एक चादर लगी होगी इसके और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद होगी वेडिंग, वेडिंग ठीक है, फिर उसके होगी आर्मरिंग, फिर सर्विंग। इन सबको हम एक एक करके देखने वाले हैं कि इनका यूज़ क्या होता है, कि कैसे क्या क्यों क्यों लगाई जाती है, ठीक है। तो पहला हेडिंग लिखिए इसमें, पहला हेडिंग क्या होगा, कंडक्टर। तो कंडक्टर ये है, तो कंडक्टर का जो काम होगा वो क्या होगा, यहाँ से लिखिए, जो कंडक्टर आपके यूज होंगे वो कंडक्टर कैसे होंगे, देखिए, टिन, कॉपर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन केबल एज ए कंडक्टर, कंडक्टर है ना। दीज कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई। इसका स्टैंडर्ड का क्या मतलब होगा, के एम यू एल टी मल्टीपल वायर, के जो इसके अंदर जो आपके वायर होंगे वो क्या होंगे, कि यहाँ अगर आपके पास ये केबल है तो इसके अंदर वायर कितने होंगे, ये मल्टीपल, बहुत सारे वायर होंगे अंदर अंदर, तो ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वायर होंगे, फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट लिखिए इंसुलेशन, ये जो इंसुलेशन है, तो अगला हेडिंग क्या लिखोगे आप, इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या होता है, कि इंसुलेशन आप किस किस का यूज़ कर रहे हैं, पेपर किसी का भी आप यूज करते कर रहे हो, है ना। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए ईच कंडक्टर ईच प्रोवाइड ए सुटेबल थिकनेस और इंसुलेशन द थिकनेस ऑफ लेयर डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज टू बी विद स्टूड बाई द केबल। तो इंसुलेशन क्या होगा, कि एक इंसुलेशन का काम क्या होगा, एक उतने ही आप बताए न थे पहले, कि उसी हिसाब से आपका इंसुलेशन की थिकनेस डिज़ाइन करी जाएगी, जिस हिसाब से जिसके लिए आपने वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर आपको डिज़ाइन कर, जिस वोल्टेज पर आपको ऑपरेट करना। अगर यही इंसुलेशन, अगर यही केबल 5 KB की हो, तो इतना सारा मटेरियल लगाने की आपको क्या ज़रूरत होगी, फिर तो कॉस्ट बढ़ेगी ना। तो उस पर किस पर डिपेंड करेगी आपकी, वोल्टेज पर, किस पर डिपेंड करेगी, वोल्टेज पर, ठीक है। अगला इसमें लिखिए, अगला पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो अगला पॉइंट क्या होगा, इसमें लिखिए, इंसुलेशन की बात चल रही है अभी, अगला पॉइंट लिखिए, द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर इंसुलेशन आर कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, इम्प्रेटेड पेपर है ना, ये हो सकता है। दूसरा आपका क्या होगा, आपका रबर और ETC, ठीक है। तो
इतने सारे आप इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं, या कॉटन पेपर यहाँ डाल लीजिए, कॉटन पेपर आपका, और क्या हो सकता है इंसुलेशन पेपर ऑयल भी हो सकता है, रबर, बहुत सारे हो सकते हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद लिखिए मेटेलिक सीट्स, पेपर इंसुलेशन, तो ज़्यादातर किसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो मेटेलिक, अब क्या है, पेपर के बाद आ गई आपकी कौन सी लेयर आ जाएगी, मेटेलिक सीट, तो इसमें लिखिए मेटेलिक इसे हिंदी में क्या कहेंगे, धात्विक चादर, के किस धातु की बनी होती है, तो इसका पहला पॉइंट लिखिए इट ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केबल, द केबल फ्रॉम फ्रॉम मॉइस्चर गैस एसिड इन द सोइल, ए मेटेलिक मेटेलिक सीट ऑफ लेड, क्या होती है पीबी, इसकी बनी होती है लेड की, यहाँ क्या लिखे हैं लेड पीबी की, ठीक है, इज प्रोवाइड 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 ओवर द इंसुलेशन सो इट इज नोन नोन एज लेड सर्विंग, क्या कहलाती है ये सर्विंग। तो इसमें क्या है कि ये जो रहेगी लेड की रहेगी, और क्यों रहेगी, क्योंकि जिस इस केबल को आप अंडरग्राउंड करोगे, अगर ज़मीन के अंदर रखोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपकी मॉइस्चर, नमी आने का खतरा रहेगा, अगर कहीं भी आपके अगर इसमें पेपर लगा दोगे या पॉलीथीन लगा दोगे, तो इसके इसमें क्या होगा, मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर या फिर जो सॉइल के अंदर आप लगाए हो, तो उसमें गैसेज भी होंगी, एसिड भी होंगे, तो उनसे बचाने के लिए, उनसे बचाने के लिए, और उसकी जगह कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हो, लेड पीवी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेडिंग, अगला पॉइंट लिखिए, अगला हेडिंग वेडिंग, वेडिंग क्या होता है, आधार, ठीक है, क्या होता है आधार पर्व, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर मटेरियल, लाइक फाइबर मटेरियल कैसा हो सकता है, एक तो जूट है ना, ETC ये हो सकते हैं, तो इसमें लिखिए दूसरा पॉइंट द पर्पस ऑफ ऑफ बेडिंग इज टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द मेटेलिक मेटेलिक सीट्स, समझ में आ रही है बात, मेटेलिक सीट अगेंस्ट रस्ट एंड कोरोजन एंड मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकली मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्मरी, है ना। तो क्या होता है, जो आपकी वेडिंग है, बेडिंग सीट है, बेडिंग सीट वो क्या करेगी कि जो आपकी मेटेलिक सीट है उसकी प्रोटेक्ट करेगी, उसका प्रोटेक्ट, यानी कि जो लेड की आपने पतली चादर लगाई है उसे क्या रखेगी, उसे उसे बरकरार रखेगी, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अगर आपने अंडरग्राउंड केबल कर दी इस तरीके से, उसके बराबर से कोई भारी चीज़ उसके ऊपर से गुजर के जा रही है, तो वो क्या हो, ब्रेकडाउन ना हो, तो उसे बचाने के लिए क्या करते हैं आप, बेडिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा कोरोजन, उसमें जो आपने मेटल लगाया है उस पर क्या हो, जंग ना, जंग आएगी तो क्या होगा कि वहाँ से गलना लगेगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, बेडिंग का यूज़ करते हैं, बेडिंग लेयर का, और इसमें किस किस का, जैसे जूट है ना, तो इसमें इसे इसकी लेयर लगा देते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट आर्मरिंग, ये क्या होती है, ये भी क्या होता है कि जो बेडिंग है उसकी सुरक्षा करती है, किसकी सुरक्षा करती है, बेडिंग और मेटेलिक सीट्स दोनों की सुरक्षा करती है, तो इसका लिखिए ओवर द बेडिंग आर्मरिंग इज
प्रोवाइड विच कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेयर, यानी कि वन और टू लेयर ऑफ गैल्वनाइज्ड सीट स्टील। इसकी जो वायर होगी उस पर आप यूज करोगे, या इसे स्टील, ठीक है, टैप इसे जोड़ दोगे। अगला पॉइंट, इट्स पर्पस इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। इसका भी क्या 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 होगा आपका, मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, है ना। वाई इंजरी वाई लेयर लेइंग इट और हैंडलिंग आर्मरिंग मे नॉट बी डन इन केस ऑफ सम केबल। कहने का मतलब क्या है, इसका पॉइंट क्या लिखोगे कि आर्मरिंग जो है वो बेडिंग की क्या करती है, आपकी सुरक्षा करती है, किससे, मैकेनिकल इंजरी से। तो उसकी जगह जो आप आर्मरिंग की सीट लगाओगे वो कैसी होती है, गैल्वनाइज आयरन की, ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं। लास्ट में देखते हैं हम उसका सर्विंग। इतनी बात समझ आ रही है, सर्विंग क्या होगा इसका, उसका बाहरी पार्ट। तो इसमें लिखिए इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ए लेयर ऑफ फाइबर मटेरियल लाइक जूट सिमिलर टू वेडिंग, किसकी तरह, वेडिंग की तरह, इज प्रोवाइड ओवर द आर्मरिंग। दिस इज नोन एज सर्विंग। तो लिखते रहना साथ साथ। तो क्या होगा, जो आपकी सर्विंग होगी वो आपने, अगर मेरे पास ये है, अगर मैं क्या करूँ इससे, ये पूरा सर्वे, इसका बाहरी कवर है, ये कौन सी लेयर है, आर्मी, तो इसके ऊपर मैंने अभी कोई लेयर नहीं लगाई है। तो जैसे ही आप मॉइस्चर में आएगी, एटमोसफेयर में आएगी, तो वहाँ आपका टेम्परेचर हाई होगा, तो इसके क्या होंगे, गलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक बेडिंग की तरह, जैसा बेडिंग करी थी उसमें जूट की आपने लेयर चढ़ाई थी, इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ाएंगे, जिससे क्या हो, जो आर्मरिंग में जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो गैल्वनाइज, तो उसमें क्या हो कि ये एटमोसफेयर में आकर रिएक्शन ना करे और ख़राब ना हो। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे थे कि सर्वे, ठीक है। तो इनके आपके आप समझ में आया कि आपके लिए आपकी अंडरग्राउंड केबल किस तरीके की होती है, ठीक है। तो इसके बाद इसका आर्मरिंग का एक पॉइंट और लिखिए, इसका आर्मरिंग एंड सर्वेइंग आर ओनली अप्लाइड टू द केबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर एंड टू प्रोटेक्ट मेटेलिक सीट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो आपकी जो सर्वेइंग और आर्मरिंग है, ये बेसिकली किसके लिए यूज हो रही है, इनकी सबकी कंडक्टर और ये पेपर इंसुलेटर लेड सर्वेइंग और बेडिंग, इनकी सबकी सुरक्षा के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं आप, आर्मरिंग और सर्वेइंग दोनों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम दो पॉइंट और देखने वाले हैं, नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ केबल, चलिए, ठीक है, और उसके बाद इसका एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज और इसके आपके एप्लीकेशन, ठीक है। तो एडवांटेज में क्या है, इसे साफ करते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज
कि इसके द्वारा क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट की समस्या दूर हो जाती है। जैसे ही आपने क्या करा, आपने इसके इंसुलेशन, तो इंसुलेशन लगा दिया। वैसे क्या है, सिंगल तार गुजर रहा है आपके, तो सिंगल तार पे इन पे क्या होगा, अगर किसी क्या हो कि नेचुरल आपकी कोई कह सकते हैं आंधी उंधी आ जाए, तूफान जो भी आए, तो क्या होंगे, ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। मगर जब केबल इंसुलेटर केबल होगी तो वो कितने भी तूफान आए वो क्या होगी, आपकी ख़राब इंसुलेशन शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। दूसरा दूसरा अगर ये आपके कंडक्टर आर वाई बी क्या है, नॉट केबल, केबल नहीं है बस प्रॉपर कंडक्टर है, तो इसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने या कुछ ने भी पशु पक्षी ने अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें उसकी जान के खतरा बन जाता है। मगर जब केबल होगा तो उस पर उसकी जान का कोई खतरा नहीं होता। और ये देखिए ये कितना होगा कि ये क्या होगा कि इतना साइज घेर रही है, मगर ये केबल क्या होगी आपकी इतना ही साइज घेरेगी, तो इसका क्या होगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, शॉर्ट सर्किट समस्या, शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम रिमूव होगी। नंबर दो क्या होगा कि मानव को सुरक्षा मिलेगी। नंबर तीन क्या होगा, ये कम स्थान घेरेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।